नमस्कार, स्वागत है आपका जीवी न्यूज में। स्मार्ट किसान की आज बात करें तो इटारसी के किसान शरद वर्मा की। शरद उन किसानों में से है जो पहले पारंपरिक तरीकों से सब्जी भाजी उगाते थे, लेकिन लाभ की निश्चितता नहीं थी। इसके बाद शरद ने न्यूजीलैंड से हरा चारा साइलेज बनाने की विधि और तकनीक जानी, रिसर्च कर इटारसी के गाँव सोमलवाड़ा में खेती शुरू की और अब वो करोड़पति किसान बन गए हैं। उनके देखा देखी आसपास के किसान भी यही खेती करने लगे हैं। किसान शरद वर्मा ने साइलेज हरे चारे की खेती 10 एकड़ में शुरू की थी। उन्हें इतना फायदा हुआ कि अब 100 एकड़ में हरे चारे साइलेज की खेती कर रहे हैं। वह मध्य प्रदेश में इकलौते किसान हैं जो इतने बड़े रकबे में खेती कई यूनिट से साइलेज तैयार कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में जबलपुर, भोपाल, बैतूल, मुलताई, हरदा, नर्मदापुरम सहित इटारसी की बड़ी बड़ी डेयरी और पशुओं की नर्सरी में सप्लाई कर रहे हैं। वे 75 और 80 दिन में 50 लाख रुपए का मुनाफा कमाते हैं। वही किसान शरद वर्मा की पत्नी कंचन वर्मा 1 एकड़ जमीन में 40 क्विंटल गेहूं की पैदावार कर चुकी हैं। इस रिकॉर्ड पैदावार के लिए कंचन को गेहूं उत्पादकता श्रेणी में कृषि कर्मण पुरस्कार भी दिया गया है। सर्वाधिक फसल उत्पादन लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें तुमाकुरु कर्नाटक में 2 जनवरी 2020 को सम्मानित भी किया था। कंचन वर्मा ने पति के साथ मिलकर खेती में उनका हाथ बटाया और किसानी भी सीखी। ऐसे ही और भी खास बातें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ पर।